हरी ओम सभी को। वसुंधरा पाठक के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गुजिया बनाएंगे। गुजिया बनाने के लिए हमने मैदा लिया और मैदे को हम चलनी से चाल लेंगे, क्योंकि गुठली रह जाती है तो आटा ठीक से गूंथ नहीं जाता है, इसलिए हम मैदे को चाल लेंगे। ये देखिए, इसे भी चाल लेंगे। मैदे को हमने चाल लिया है, अब हम बीच में ऐसे गड्ढा कर देंगे और इसमें डाल देंगे घी। ये हम घी से बना रहे हैं, मोयन कर रहे हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। ये देखिए, ये लड्डू बनने लगा है। अब ये हमारा मोयम हो गया है। अगर इस तरह से नहीं बंधता है तो समझो मोयम नहीं हुआ है, ठीक से खस्ता नहीं हो पाया है। इसे मोयम करने के लिए डाला गया, और जब घी डाल के मोयम करें तो गुनगुना पानी से हम आटा गूंथते हैं। ये मोयम हो गया है मैदा, इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और आटा बहुत टाइट गूंथना है। जैसे पूड़ी का आटा रहता है वैसे ही टाइट आटा गूंथना रहता है। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, नहीं तो आटा गीला होने का डर रहेगा। और ऐसे ही गूंथ लेंगे। देखिए आटा को हमने गूंथ लिया है और खूब घूंसा मार मार के ऐसे खूब गूंथा है। ऐसे घूंसा मार मार के इसे खूब गूंथ लेना है। जितना ही आटा गूंथा अच्छा रहेगा उतना ही अच्छी गुजिया बनेगी। हमने खूब घूंसा मार मार के इसे गूंथ लिया है। अब हमारा आटा गूंथ गया है और हम इसे रख देंगे इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। ढक देंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में डाल देंगे ये घी है, घी डाल देंगे। घी गर्म हो गया है, अब हम उसमें से सूजी डाल देंगे, और इसे ज़्यादा भूरा नहीं होना चाहिए। इसे भून लेंगे अच्छी तरीके से, धीमी आंच पे भूनेंगे जिससे जले नहीं। ये देखिए सूजी हमारा भून गया है, और अब हम इसे निकाल लेंगे। कढ़ाई में हम घी डाल देंगे, ये किशमिश डाल देंगे और इसे भून लेंगे। किशमिश देखिए भून गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। किशमिश को निकाल लिया है हमने, फिर घी डालेंगे। अब हम चिरौंजी डाल के भून लेंगे। चिरौंजी भून गया है, अब इसे भी निकाल लेंगे। ये हमने काजू और बादाम को कूट लिया है, इसे डाल देंगे घी में और भून लेंगे। चिरौंजी भुने थे तो उसमें घी बचा था, उसी घी में भून रहे हैं। काजू बादाम भून गया है, इसे भी निकाल लेंगे। काजू बादाम को हमने निकाल लिया है, अब हम ये डालेंगे खोया और उसे गरम कर लेंगे। धीमी आंच पे गरम करेंगे। खोया को भी हमने
अच्छी तरीके से गरम कर लिया है। अब इसे भी निकाल लेंगे। सूजी, किशमिश और चिरौंजी हमने डाल दिया है, तीनों एक में कर दिया है। ये काजू बादाम डाल देंगे, इसको हमने भुना था। नारियल डाल देंगे, सूखा नारियल को हमने मिक्सी में पीस लिया था। छुहारा डाल देंगे, ये छुहारा को भी पीस लिए थे। चीनी डाल देंगे, ये इलायची पाउडर है इसे भी डाल देंगे। इसके बाद अब हम खोया डाल देंगे। अब हम इसे मिला देंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से इसे मिला दिया है। ये हमने कटोरी में मैदा लिया है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और मिला लेंगे। किनारे किनारे लगाना रहता है। ये देखिए हमने बना लिया है। आप चाहे तो खाली पानी भी लगा सकते हैं, चाहे पानी किनारे लगा लीजिए, चाहे इस तरह लगा लीजिए। ये देखिए आटा हमारा सेट हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से आटा सेट हो गया है। अब के लिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक परात लिया है, परात को उल्टा कर लिया है और इसी के ऊपर ये लिए हैं आटा और इसकी हम बनाएंगे लोई। अब इसे बेल लेंगे, ऐसे उलट पलट के ऐसे बेल लेंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से बेल लिया है। ये हमने कटोरी लिया है और इसे ऐसे काट लेंगे। इसे काट लेंगे। और इस बचे हुए आटे को भी उसी आटे में मिला के बना लेंगे। इसको उठा लेंगे और ये देखिए थोड़ा सा मोटा है, इसे पतला कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे पतला कर लेंगे, जैसे पूरी बेला जाता है वैसे ही बेल लेंगे। भुजिया खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन मेहनत बहुत है इसमें, लेकिन जब भुजिया ख़त्म होने लगती है तब बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो बनाओ, जिस दिन बनाओ उस दिन तो पेट ही भरा रहता है, लेकिन जब भुजिया ख़त्म होने लगती है तब मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ऐसे बेल लेंगे। ये हमने लिया है भुजिया का सांचा और इसी के ऊपर रख देंगे ये। अब इधर किनारे किनारे वो मैदा का जो पानी वाला था इधर लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। ये ऐसे ही लगा देंगे। अब हम इसके बीच में डालेंगे गुजिया का मसाला डाल देंगे। ये देखिए ऐसे ही भर देंगे और अब इसे से धीरे से बंद कर देंगे, दबा देंगे फिर बंद कर देंगे। ये देखिए और ये देखिए इसे ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए सुंदर सा गुजिया बनके तैयार हो गया।
ऐसे ही और सब गुजिया बना लेंगे। अब इसे भी उसी तरह पूरी के जैसे बेलेंगे। और ये रख लिए उठा के। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पानी, ऐसे ही पानी लगा देंगे, वो मैदा वाला पानी लगा देंगे। और अब इसके में मसाला डाल देंगे, ये देखिए ऐसे मसाला डाल देंगे बीच में और इसे बंद कर देंगे। ये देखिए ये देखिए बढ़िया से गुजिया बनकर निकल आया। इसी तरह हम सारी गुजिया बना के रख लेंगे। कढ़ाई में हमने घी को डाल दिया है, देखिए घी हमारा गर्म हो गया। चेक करने के लिए थोड़ा सा मैदा डाल रहे हैं। घी गर्म हो गया है, सारा गुजिया हम घी में ही, देसी घी में ही बना रहे हैं। मेरे यहाँ घी रहता है क्योंकि मलाई निकाल के और मक्खन से घी निकाल लेते हैं, खरीदना नहीं पड़ता। अगर ख़त्म हो जाता है तब खरीदते हैं, तो वो भी बाजार से नहीं खरीदते हैं, अपने आश्रम से खरीदते हैं। देखिए घी गर्म हो गया है, इसे निकाल लेंगे। अब हम एक एक गुजिया डाल के तलेंगे। गैस की आंच मीडियम टू लो रखना है, और ज़्यादा आप तेज़ कर देंगे अगर तो गुजिया कच्ची रह जाएगी, तेज आंच पे गुजिया नहीं तला जाता है। देखिए गुजिया बन गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। गुजिया बनके तैयार हो गया है। आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिएगा। हरि ओम सभी को, हरि ओम।